इक्विवेलेंट में हमारे पास में क्या होता है, पहले सुन लें। वाटर इक्विवेलेंट एक हमारे पास टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, मान लो 250 ग्राम का कोई 250 ग्राम पानी है, सपोज 250 ग्राम पानी है। अब मैंने इस 250 ग्राम पानी को गर्म किया, तो 250 ग्राम पानी को गर्म करने में मुझे जो हीट लगेगी वो क्या कहलाएगी। मान लो 1 डिग्री मैंने इसका टेम्परेचर चेंज किया, 1 डिग्री चेंज किया टेम्परेचर। 1 ग्राम होता 250 ग्राम, 1 ग्राम पानी होता 1 डिग्री टेम्परेचर में इसका चेंज करता, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं चेंज करता तो मेरे जो स्पेसिफिक हीट होती वो होती 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। 250 ग्राम का करूंगा तो मेरी आएगी 250 कैलोरी, 250 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करूंगा तो क्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 250 कैलोरी, यानी कि 250 कैलोरी, इतने अमाउंट की हीट लग जाएगी मुझे किस क्या करने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में 250 ग्राम का। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि भाई मैंने जो पानी लिया है, पानी को क्या मैं आग के ऊपर ऐसे ही छोड़ देता, तो आप कहोगे नहीं ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। मैं क्या करता, कंटेनर में रखता हूँ। सोच के बताना, 250 तो मेरे पानी को गर्म करने के लिए चाहिए, पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए। क्या 250 ही अमाउंट की अगर मैं हीट दे दूं उसको तो क्या मेरा उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, थोड़ी ज़्यादा देना पड़ेगी। क्यों भाई ज़्यादा देना पड़ेगी? क्योंकि वो बर्तन भी तो गर्म होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करा मैंने जब चेक किया तो मुझे जो देनी पड़ी वो एक्चुअली में मुझे देनी पड़ी 300 कैलोरी, 300 कैलोरी की हीट उसको देनी पड़ी। लेकिन यार जरूरत तो हमें 250 की थी, 250 कैलोरी पे हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 300 कैलोरी देना पड़ रही थी हमें 250। इसका मतलब क्या हुआ, 50 कैलोरी हमारे बर्तन ने ले ली। तो हमने सोचा कि बर्तन का 1 डिग्री बढ़ाने में कंटेनर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में, पूरे कंटेनर का, होल कंटेनर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हमें हीट लग गई वो लग गई 50 कैलोरी। अब सोच के बताओ जरा कि इस 50 कैलोरी से तुम कितना ग्राम पानी गर्म कर सकते थे, कितने ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सकते थे? तो आप कहोगे हम तो 50 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकते थे। यानी कि अब जो 250 ग्राम तुम वाटर को गर्म कर रहे हो तो तुम्हें लग रही है 250 कैलोरी, और कंटेनर भी हमारा है तो कंटेनर को हम लोग बोलते हैं कैलोरी मीटर। तो मुद्दे की चीज ये है, अब तुम कैलोरी मीटर में हीट को मत मानो, तुम ऐसा करो कि इस में जो हीट जा रही है, जो 50 कैलोरी, उसको मत मानो, इसके हिसाब से मत चलो। तुम यही सोच लो कि 250 ग्राम के लिए 250 कैलोरी, 50 ग्राम कंटेनर को भी हीट करने के लिए एक डिग्री हीट करने के लिए जा रही है। तो सीधे सीधे तुम ये मानो कि कंटेनर है ही नहीं, बिना कंटेनर के तुमने 300 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, 300 ग्राम का था 250 ग्राम, तो यहां पर जो 50 आएगा, 50 ग्राम इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि 50 ग्राम पानी का जो हीट लगेगी 50 ग्राम पानी को गर्म करने में, वही हीट तुम्हारे कंटेनर के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में लगेगी। तो कंटेनर की हीट इज इक्विवेलेंट टू 50 ग्राम ऑफ वाटर की हीट, इसीलिए इसे बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि कंटेनर के 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही है वो 50 ग्राम पानी के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लग रही है। समझ में आ रहा? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंटेनर को कंसीडर नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ पर दे रखा होगा कि इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, एक पानी है 100 ग्राम पानी है और उसको हमने गर्म करना है, मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर पे लेकर जाना है, 0 से 100 डिग्री पे लेकर जाना है सपोज, और उसका वाटर इक्विवेलेंट जिस कंटेनर में गर्म कर रहे हैं उसका वाटर इक्विवेलेंट सपोज 10 कैलोरी, तो तुम 100 ग्राम ना मान के अब तुम 110 ग्राम वाटर मान लेना, कंटेनर को भूल जाना और वैसे ही लगा देना जैसे हमने तुम्हें सिखाया है। बोलें जरा,